सब्सक्राइब कीजिए technicalmickey.com को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट GSM वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू technicalmickey.com यूट्यूब चैनल और technicalmickey.com वेबसाइट की जानिब से मैं हूं मोहम्मद वकास कमर। आप देख रहे हैं technicalmickey.com यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि हमारा पिछले यानी कि काफ़ी दिनों से सीरीज से यानी कि जो स्टार्ट थी मिकी अनलॉकर की। एक हमने मिकी अनलॉकर जो 1.0 बनाया था, उसके बाद हमने एक मिकी अनलॉकर 2.0 यानी कि क्रिएट किया था जो कि यानी कि काफ़ी पॉपुलर हुई थी हमारी सीरीज़। ये देख सकते हैं आप, ये था जिसमें यानी कि हमने SPD की FRP दी हुई थी, लेनोवो की FRP, मोटोरोला की FRP और यानी कि उससे पहले एक हमने था मिकी अनलॉकर V1, ये देख सकते हैं आप, वो भी यही था। इसमें जो है वो शाओमी की FRP थी, OEM था, पिन पास वगैरह थे सैमसंग की थी और उससे अपग्रेड जो हमने ये था। लेकिन अब जो है हमने जो है वो मिकी अनलॉकर का 3.0 वर्जन भी जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम आप देखेंगे कि हमने उसको मिकी अनलॉकर 3.0 को कैसे यूज़ करना है और उसमें क्या क्या जो वो फीचर्स इंटीग्रेट किए गए हैं इस टूल में, तो उसको आपने कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की जानिब चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल technicalmickey.com सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें, इससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आपके ईमेल पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने मिकी अनलॉकर को डाउनलोड कैसे करना है। तो दोस्तों, डाउनलोड का जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है। आप सब लोगों को पता होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, डाउनलोड लिंक लिखा होगा उसके ऊपर, आपने उस लिंक पर क्लिक करना है और वो लिंक जो है वो आपके, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे वो लिंक आपको डायरेक्टली मेरी वेबसाइट technicalmickey.com के उस पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा जहां से आपने डाउनलोड करना है मिकी अनलॉकर 3.0। तो दोस्तों, आपने वहां से डाउनलोड कर लेना है। 3-4 जो है वो डाउनलोड के लिंक दिए गए होंगे, गूगल ड्राइव का होगा, इंडी शेयर का होगा और डू अपलोड्स का होगा, जहां से आपको सिंपल लगे आपने वहां से डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, जब आपने डाउनलोड कर लेना है मिकी अनलॉकर तो आपके पास ही कुछ इस फाइल में आएगा। आपने इस फाइल को सबसे पहले डबल क्लिक करके रन कर लेना है और उसके बाद पासवर्ड की जो फाइल है यहाँ से पासवर्ड आपने इसका कॉपी कर लें और उसके बाद इसको क्लोज करके अगेन जो है वो इस फाइल पर राइट क्लिक करें और यहां से जो है विनरार पर क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक कर दें। यहां से आपसे वो कह रहे हैं एंटर पासवर्ड, जो है वो यहां अपने पासवर्ड पेस्ट कर देना। ये देखें, मैंने पासवर्ड पेस्ट किया, वो जो कॉपी किया था, ये देखें शो पासवर्ड, आप देख सकते हैं वही पासवर्ड है, और ओके पर क्लिक कर दें। ये देखें, जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया तो हमारे पास एक फोल्डर आ गया 3 से 4 MB का। ये देखें, पहला जो हमारा मिकी अनलॉकर 1 था वो जो है हमने तकरीबन 30 से 40 MB के दरमियान में क्रिएट किया था। उसके बाद हमने इसको जो है वो इसकी MB को और डिक्रीज किया और फीचर जो है वो इसमें और इंटीग्रेट किए, V2 उसका नाम दिया और उसमें जो है वो इससे ज्यादा फीचर्स थे वो तकरीबन 20 MB का था। और अब जो है V3 जो है ये तकरीबन 5 MB में जो है वो रिड्यूस कर दिया गया और इसमें जो है वो इससे ज्यादा फीचर्स जो है इसमें दिए गए हैं। आप इसके लिए, आपको यूज़ करने के लिए कोई आपने अपना एंटीवायरस वगैरह डिसेबल नहीं करना है, जस्ट आपने ये TM के लोगो पर डबल क्लिक करना है और ये देखें आपके पास जो है वो मिकी अनलॉकर V3 जो है वो रन हो जाएगा। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, आप क्या किस तरह यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, एंड्रॉयड FRP लॉक रिमूवर की बात की जाए तो ये देखें, आप इसमें हवावे की FRP बाईपास कर सकते हो। हवावे की जो है ये इसमें जो है ये आपने ADB मोड में वर्क करता है, यानी कि ये देखें, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब टूल जो है वो ADB में काम करते हैं और ये जो है ये सारे फास्ट बूट मोड में काम करते हैं, ठीक है। अब हवावे की जो काफ़ी नए मॉडल्स जो है इंक्रीज़ वगैरह किए गए हैं, आप इस सॉफ्टवेयर से उनकी भी जो है वो FRP वगैरह बाईपास कर सकते हो। देखें, हवावे है, HTC है, लिनोवो है, MediaTek है, मोटोरोला है, सैमसंग हो गया और SPD और शाओमी के जो आजकल नए मॉडल्स जो हैं वो इंक्रीज यानी कि लॉन्च हुए हैं, जिसका नाम है आई थिंक Redmi Note 5 है, Redmi Note 5 Pro है, Redmi 5 Plus है और Redmi 5 है और भी यानी कि ये 4A वगैरह जो है, जितने भी आप सब लोगों का जो है MI अकाउंट भी रिमूव कर सकती हो। इधर आपने जस्ट वो क्लिक करना है और उससे पहले अपनी डिवाइस जो है वो आपने फास्ट बूट मोड में ले आना है अपनी डिवाइस को और उसके बाद जो है वो डू इट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से अपना ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करोगे और डू इट पर क्लिक करोगे, ये देखें प्रोग्रेस चली और आपकी डिवाइस जो है, देखें Xiaomi फास्ट बूट मोड डिवाइस, यहाँ से आपने अपनी डिवाइस जो है वो कनेक्ट करनी और 1 सेकंड में जो है वो आपकी MI अकाउंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरह ये देखें, SPD की FRP भी दी गई है, इसमें आपने जो है वो डू इट पर क्लिक करना है, आपके पास एक प्रोग्रेस रन हो गई है देखें और प्रोग्रेस के बाद आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो इसके, देखें SPD फास्ट बूट डिवाइस। इसी तरह MediaTek की जितनी भी यानी कि नए जो है वो चिप वगैरह इंक्रीज हुई है यानी कि इम्प्रूव की गई है
उन सब की जो है वो FRP इसमें दी गई है, ये देख आप रिमूव कर सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास कोई रूट वाला मोबाइल है यानी कि उसमें आप माइमर फॉन्ट इंस्टॉल करना चाहते हो तो ये देखें लिखा हुआ है नीड रूट, यानी कि इसके लिए आपका मोबाइल जो है वो रूट होना ज़रूरी है। उसके बाद आपने अपने ये देखें क्लिक करना है यहाँ और डू इट पर क्लिक करें। लेकिन इसके लिए जो आपके ADB में मोड जो है वो आपका ऑन होना चाहिए, ये देखें इंस्टॉल माइमर फॉन्ट, यहाँ से आपने ए टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये देखें आपके पास जो है वो माइमर फॉन्ट इंस्टॉल हो चुके हैं, स्टार्ट सक्सेसफुली आपके डिवाइस में जो है वो माइमर फॉन्ट इंस्टॉल हो चुके हैं। इसी तरह अगर आपने फास्ट बूट मोड में अपने डिवाइस को लेके जाना है तो आप इस पर क्लिक करें और डू इट पर क्लिक करें तो आप जो है वो अपनी डिवाइस को फास्ट बूट मोड में भी लेकर चले जाओगे। ये देखें यहाँ से कंटिन्यू। और अगर आप फास्ट बूट मोड को एग्जिट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करें। पिन पास वगैरह अनलॉक करना है तो MI का पिन पास अनलॉक करना है, पिन अनलॉक करना है किसी भी यानी कि एंड्रॉयड फ़ोन का, यहाँ से देखें यूज़र लॉक रिमूव रीसेट जीमेल गेस्चर वगैरह और भी इसमें बहुत सारे जो हैं वो फ्यूचर जो हैं वो इसमें इंटीग्रेट किए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी हमारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको मिकी अनलॉकर वर्जन 3 में कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको यूज़ वगैरह करने में तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट कर दें और अपना प्रॉब्लम जो है वो नीचे है हाईलाइट कर दें। मैं वो प्रॉब्लम जो है वो आपका इसी सॉफ्टवेयर में इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा और उसको सोल्यूशन भी आपको बता दूंगा कि आपने वो फिक्स कैसे करना है। तो दोस्तों अगर आपको फिर मैं कह रहा हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक यार ज़रूर कर दिया करो। ये देखें काफ़ी यानी कि कितने सब्सक्राइबर हैं, आई थिंक ये देखें 5000 लगा लें 5K जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उसमें से देखें व्यू और लाइक्स जो हैं वो बहुत कम आते हैं। तो technicalmickey.com को विज़िट करते रहिएगा क्योंकि इधर भी जो हमें फाइल्स वगैरह और कीजन वगैरह जो होते हैं फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर और ओरिजिनल बॉक्स जो होते हैं वो भी अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।